असम में आतंकी संगठन से जुड़े इमाम और टीचर्स समेत 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बोगाईगांव जिले में अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब असम से बुलडोजर चलाने की खबर आ रही है। बोगाईगांव जिले में बुलडोजर चलाया गया है अवैध मदरसों पर यह बुलडोजर चलाया गया है। असम सरकार ने यह तीसरी गैरकानूनी मदरसे को ध्वस्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर असम के बोगाईगांव जिले से है, जहां पर अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको पता है कि असम में 37 से ज़्यादा ऐसे मौलवी और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो तमाम मदरसों से जुड़े हुए थे और ये मदरसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। ऐसे इमाम और टीचर्स की गिरफ्तारी के बाद अब असम सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बोगाईगांव जिले में अवैध मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब इस अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई असम सरकार ने शुरू की थी। इस मदरसे को ढा दिया गया, इस मदरसे को अवैध तरीके से चलाया जा रहा था और तमाम कई यहां पर टीचर्स और मौलवी ऐसे थे जो आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। ऐसे 37 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।